मैंने परसों बोला 400 पार का आंकड़ा, आपने गड़बड़ किया। अरे बैठो भाई, चुप सुनो, तो आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, गड़बड़ शुरू हो गई। जब आप गड़बड़ करके आप स्टॉप कर देते हो, आगे के शब्द को आप निकाल देते हैं। आपने बोला इस तरीके से था, संविधान 17 आर्टिकल में है। खड़गे जी, आज मैं शीशे में दो बार देख कर आया ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य मेरी तरफ ही देखें, क्योंकि उनको मेरे से देख कर बोलना है। कभी कभी क्या होता है साहब, सत्य बात जब हम कहते हैं तो जरा आप उधर ही ज्यादा देखते हैं। पूरे दो पेज का आपने काट दिया साहब, दो पेज का मेरा भाषण काटने के बाद उसका उद्देश्य अलग अलग होता है, क्योंकि मैंने परसों बोला 400 पार का आंकड़ा, आपने गड़बड़ किया। उसमें क्या हो गया कि लोग कैसे, अरे बैठो भाई, चुप सुनो, तो आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, गड़बड़ शुरू हो गई। वो शब्द प्लीज नो, इस बार भी बोले वो आगे था, लेकिन आपने गड़बड़ में उसके सामने, when the leader of the opposition is on his व्यादान lips, बोल के लिखे, I expect you can appreciate, but you cannot raise a disturbance. Please, no, nothing. Yes. तो साहब क्या होता है, ये अर्थ का अनर्थ होता है। तो जब आप गड़बड़ करके आप स्टॉप कर देते हो, आगे के शब्द को आप निकाल देते हो। आपने बोला इस तरीके से था। नहीं नहीं, वो आपकी है, आपके आगे मैं पढ़ो, आपके आगे आगे था क्या कि पूरा गड़बड़ हुआ। क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यस्तान क्या, व्यवधान, तो आपने लिखा उसके सामने, तो वो शब्द चले गया दूसरा। तो ये मैं कह रहा हूं कि इसके लिए पूरा देखिए, 1:55 में मैंने अछूत शब्द का इस्तेमाल किया था, फिर दो बार सर, वो मत पढ़िए, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नहीं नहीं, अरे मैं तो वो वांट, मेरे को एक्सपेंस का ही होना है, मेरे को दूसरा नहीं है, मेरे को होना है एक्सपेंस का। देखिए 2 ऑनवर्ड्स द एक्सपेंस्ड पोर्शन मे नॉट बी रेड। अरे पढ़ाना अछूत है, अछूत सर हैज बीन हेल्ड बाय अनपार्लियामेंट्री। नो, अरे एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, अनटचेबिलिटी दिस टाइम सर, अनटचेबिलिटी रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान 17 आर्टिकल में है। खड़गे जी, आज मैं शीशे में दो बार देख कर आया ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य मेरी तरफ ही देखें, क्योंकि उनको मेरे से ही देख कर बोलना है, तो आप भी इधर ही देख कर बोले सर। ओ, आप ही के तरफ, आपको दो देखने के बाद मुझे खुशी होती है कि इतने सीनियर वकील सब आप है इधर देखे, तो हमको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। कभी कभी क्या होता है साहब, सत्य बात जब हम कहते हैं तो जरा आप उधर ही ज्यादा देखते हैं, उस वक्त आपको आकर्षण करने के लिए हमको कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। और 2:00 1:55 हुआ, 2 हो गया, और 2:00 ऑनवर्ड्स उसमें भी आपने वो काट दिया, फिर 2:40 को आपने काट दिया। देखिए तो मैं ये, इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो हम कहना चाहते हैं उसको तोड़ मोड़ के अगर पढ़ेंगे लोग तो क्या होगा। अरे ये आपने जो चीजें बोली है इसमें नहीं है, मेरे को हर दफा हो रहा है, दिस इज द सेकेंड और थर्ड टाइम माई स्पीचेस आर कट, एंड दिस इज द लेटर आई हैव रिटर्न टू यू, एंड मैं बाहर प्रेस को नहीं बोलना चाहता था अनलेस आई कैन ब्रिंग टू योर नोटिस। व्हाट इज दिस सर, एवरी टाइम, एंड यहाँ पर तो मनुस्मृति के बारे में sir, इतना बोला गया है, इतनी चर्चा हो गई है, और मैं जब बोलता हूँ उसको निकाल देते हैं। व्हाट इज दिस, ये इसीलिए मैं कृपया करके आप उसको उन निकाल जो आपने निकाला है वो पूरे पेज को आप रख दीजिए, यही मेरी आपसे अपील है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।